अंजी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में हो गया आप सब। और आज आ गया हूँ मैं टोरंटो जू के अंदर। लास्ट डे है टोरंटो के अंदर, कल जा रहा हूँ मैं नायग्रा फॉल्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अंदर। तो इस जगह से है आपकी एंट्री और अभी अंदर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे कैफे है एंट्री के ऊपर ही, ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने किया। उसके साथ ही जू मोबाइल टूर चलता है जिसके लिए आपको $9 पर पर्सन देने होते हैं और एक कार में ये लोग आपको बेसिकली घुमाते हैं। बट मैंने सोचा पैदल ही घूमते हैं यार, टूर का क्या करना है, क्योंकि काफी कजन्स हैं हम लोग, तो आराम से घूम फिर भी हो जाएगा और बातें बातें भी हो जाएंगी। और अब कंटिन्यू करते हैं अपना टूर। काफ़ी सारी चेयर्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई हैं और फैमिलीज बहुत आई हैं, बच्चों के साथ ना लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। और अगर आपको व्हील चेयर चाहिए, स्ट्रोलर चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाती हैं। और प्राइसेस की बात करें तो ये है चार्जेस। और जब आप एंट्री करते हो तो आपको एक ऐसा मैप मिलता है जहाँ पे बेसिकली सब कुछ बताया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, जैसे कनेडियन है, अमेरिका, टंड्रा, ऑस्ट्रेलिया, तो डिफरेंट जगह के एनिमल्स होंगे आई बिलीव। तो अब एक्सप्लोर करते हैं। और जिप लाइन भी है यहाँ पे, जो अभी अभी रियलाइज किया हमने। सबसे पहला जो है यह लिमर समर होम, अब यही देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये है वो एनिमल्स जिनको देखने के लिए हम आए हैं, ये अपना मजे से लगे हुए हैं। एक वो देखो मेरे जैसा अपने आराम से अकेला बैठा हुआ, कहता मेरे को नहीं परवाह। जिप लाइन तो मिल नहीं रही, बट इंडो मलाया पवेलियन इसके अंदर आ गए। यहाँ पे देखते हैं अब क्या क्या बनाया हुआ, बहुत खूबसूरत है क्या यहाँ पे ये नहीं पता चला। और अब अंदर चलते हैं कुछ और फिशेस वगैरह जो है ये देखते हैं हम। कल एक्वेरियम गया था, आज फिर से एक्वेरियम वाली फील आ रही है। सही जगह है ना, बिग बैड एंड अगली वाली जो है, ये जू मस्त जगह है यार। और बड़ा भी है तो पूरा दिन आराम से निकल जाता है यहाँ पे। 11 बजे एंटर किया, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। और तो जगह बहुत खूबसूरत है, अब आगे चलते हैं। और ये है इंडो मलाया टर्टल्स और यहाँ पे है पाइथन्स। 33 फीट लंबा है ये वाला जो स्नेक है, इतना बड़ा है। और इसका मुंह जो है ये यहाँ पे है। और इधर पे एक ओरैंगटॉन भी है, ये देखो। मुझे तो इसको देख के क्रिश मूवी याद आ जाती है। अब सिंगल हॉर्न वाला राइनोसोरस, इंडियन राइनोसोरस। और क्योंकि ये इंडियन राइनोसोरस है तो इसीलिए शायद हिंदी में भी लिखा है सींग वाला गेंडा। और उन्होंने बोला कि आउटसाइड ही है, इस रो में ही कहीं ना कहीं जो गेंडा जी है हमें दिखेंगे। और जैसे मैं कह रहा हूँ हर चीजें बंद होती है जहां मैं जाता हूँ, तो गेंडा जो है अभी सो रहा है, उसका नैप टाइम हो रखा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा राइनोसोरस है जो कि अभी सोया हुआ है, कान खड़े कर रहा है, उठ नहीं रहा, पर सोया हुआ आराम से। एंड हमें एक टाइगर भी दिख गया, बट यार ये अभी नैप टाइम है सारे एनिमल्स का, गलत टाइम पे आ गए। ये यहाँ पे मजे से टाइगर जी अपना सो रहे हैं, पर एक ही टाइगर है यहाँ पे मुझे लग रहा है। और अब चलते हैं अफ्रीका पवेलियन में, यहाँ पे देखते हैं अफ्रीकन एनिमल्स। और यहाँ पे है रेड रिवर हॉग, बेसिकली जंगली सुअर बोल देंगे इसको। और इनका नैप टाइम है जैसे मैंने कहा, दो उधर भी सो रहे हैं और दो एक्टिव हैं, लगे हुए आराम से। और अफ्रीका पवेलियन में सांप ना देखा तो क्या देखा है, देखो ये एक्टिव भी है, नाच रहा है अपना पूरा। और ये है रॉयल पाइथन, रॉयल पाइथन जी तो पूरा एक्टिव है अभी। और इसके साथ ही गैबून वाइपर, ये जो है ये अभी सोचता है, ये देख रहे हो सांप। और ये है इसका आगे माउथ फेस जो भी। और फाइनली हिप्पोपोटामस, ये भी अभी सो रहा है। और एक ये रहा, एक वो रहा, इस पे तो ध्यान ही नहीं गया था मेरा, क्या बात है। और यहाँ पे भी एक सो रहा है आराम से, हम लोग सबको डिस्टर्ब करने के लिए पर सही है यार, मजे से खराटे मार रहा है वो अपने। और ये है गोरिल्ला रेन फॉरेस्ट, एंड फाइनली गोरिल्ला दिख गया आराम करते हुए पूरे मजे से। एक दो तीन, ओके एक वो भी है सामने, ये देखो आराम से आगे 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 आगे। और एक ये जो छुप के बैठा हुआ है, पहले सामने था अभी छुप के आगे, इधर तंग आ गया लोगों से। एंड यहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, जूम करूँ अगर तो, ये देखो ये जो है ये एक्टिव है, बाकी सब जो है वो सो रहे हैं अभी। और यहाँ पे ये एक रोप वाला गेम भी है जहाँ पे आपको ये लोग हार्नेस दे देते हैं और आप चलते फिरते रहो, तो ये भी अब करते हैं। लाइन में लगना पड़ेगा तो लग जाते हैं लाइन में। और अभी ये जो रोप कोर्स है ये हमने कंप्लीट कर लिया, 20 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है पर एडल्ट, $8 आपको पे करने पड़ते हैं, टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। वेटिंग लाइन थोड़ी लंबी है और 20 मिनट ही मिलते हैं ऊपर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं अफ्रीका पवेलियन के अंदर। और यहाँ पे पिकनिक साइट भी है सामने, तो बैठ के खाना वाना खा सकते हो। इधर पे भी एक रेस्टोरेंट है पिज्ज़ा पिज्ज़ा, जहाँ का पिज्ज़ा बहुत ही बकवास है। और ऊपर भी एक पिकनिक एरिया है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हो। एंड अब जाके फाइनली दिखा जिराफ, वाओ कब से देख रहे हैं कि कहाँ है, दिख ही गया। और एक नहीं तीन, 1, 2 and 3। और हिप्पोपोटामस जो है पानी के अंदर ही घुसा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड आई थिंक ये वीडियो तो आपको अच्छी लग रही होगी क्योंकि इसमें नई नई चीजें इसमें दिख रही हैं, ऊपर मुझे राइनोसोरस की फोटोज दिख रही हैं। तो लेट्स सी आप जाके फाइनली जो राइनोज हैं, गेंडे
गेंडे दिख रहे हैं अब हमें, बहुत दूर है तो जूम करना पड़ रहा है, बट फाइनली दिखे तो सही। तीन है यहाँ पे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना इन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं, पिकनिक एरिया बनाया हुआ है फैमिलीज के लिए, तो कहीं पे भी आप हो इस पूरे जू के अंदर खाने पीने का पूरा प्रबंध है। और सामने ऑस्ट्रिच द फास्टेस्ट बर्ड ऑन टू लेग्स। लायंस दिखे फाइनली सामने ये यहाँ पे, बट सो रहे हैं व्हाइट लायंस, एक दो तीन, तीन है और तीनों आराम से सोए हुए हैं, तो दो शेर नहीं है एक शेर है बट स्लीपिंग मोड में। और यहाँ पे है हाइना, बहुत ही डेंजरस एनिमल जिनसे लायंस भी डर जाते हैं। एंड भाई जी आगे इज कमिंग आई नो। और सामने है इनका इंग्लिश में नाम है एंकोल वटूसी कैटल, अब हिंदी पंजाबी में क्या कहेंगे आई डोंट नो, बट इनके लिए काफी बड़ी जगह इन्होंने छोड़ी हुई है। सिंह कितने बड़े हैं यार। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। और अफ्रीकन पवेलियन जो है वो खत्म हो गया और वहां से कैनेडियन पवेलियन जो है वहां मैं जा रहा था, और रास्ते में है बाइसन्स, ये मैंने डेनवर में भी देखे थे, आज दूसरी बार देख रहा हूँ। और इनके लिए बहुत ही बड़ा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, वो काफी दूर है रोड से। और कैनेडियन में आए और भालू ना देखे तो क्या देखा, आ गए ग्रिजली बैर के अड्डे पे, अब बैर कहाँ पे ये नहीं पता यार, वो सोया हुआ है बिल्कुल सामने, ये यहाँ पे सोया हुआ है, अभी थोड़ी थोड़ी गर्दन हिला रहा है, नैप टाइम पे है, गलत ही टाइम पे आया, बहुत गलत टाइम पे आए हैं। और ग्रिजली बियर तो है वो तो सो रहा है आराम से, उसके अलावा एक यहाँ पे पॉन्ड भी है, गंदा सा पॉन्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कैनेडियन सेक्शन के अंदर। अब यहाँ से पहाड़ी चढ़नी है बहुत बड़ी और उसके बाद हम जाएंगे अमेरिकन सेक्शन में, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, बट वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। 11 बजे एंटर किए थे, 4 बज गए, अभी तक सिर्फ 3 पवेलियन ख़त्म हुई हैं और अभी 4 और पड़ी हैं। और कनेडियन से अमेरिका तक जाने के लिए जो पवेलियन है 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है, और कनेडियन में कुछ भी नहीं था, जो पॉन्ड था वो बहुत गंदा था, ग्रिजली बियर सोया हुआ था, तो इतना स्टीप हिल गए भी और बेकार हुआ। और अभी लिप्स जो है वो भी पूरे ड्राई हो गए क्योंकि इतना वॉक हमने कर लिया है। प्लीज कम अगेन क्वाहेरी, अब आई डोंट नो इसको ऐसे बोलते हैं कैसे। उसके बाद लास्ट में है अपने पास, अभी अमेरिका जा रहे हैं फिर टंड्रा, और 5 जगह टोटल रह गई, उसके बाद खत्म होगा। एंड सिर्फ ये सेक्शन करने में हमें लग गए ऑलमोस्ट 4 घंटे, तो बड़ी बहुत है पास, और गर्मी भी है आज। और ये जो रास्ता है अमेरिका वाले ये भी बहुत खूबसूरत है, वॉक लंबी बहुत है बट खूबसूरत भी, लंबे की वजह से ना मजा नहीं ले पाते उतना खूबसूरती का, बट ऑनेस्टली जगह जो है काफी अच्छी है। अमेरिका में तो आते ही घमासान मच गया है, भीड़ी भीड़ आवाजें, यहाँ होएगा मजा, स्लॉथ होने चाहिए यार 2-4 तो देखें। एंड ये दिखा पॉर्क्यूपाइन, जो कांटे वाला वो जानवर था नहीं तो कार्टून में देखते हैं वो, और नीचे देखो हेलो 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 हेलो, और क्या क्या है यार यहाँ पे। एंड अंदर जो स्लॉथ है सो रहा है, ये आपको इसकी बैक दिख रही होगी, आई डोंट नो अभी शाम होगी अभी तक भी उठे नहीं है, सारे जानवर जो सोने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, एक ये बैठा है इधर इसके अंदर, व्हाट्स हियर, वही जो हमने पहले देखे थे गोल्डन लायन थैमरिन बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पे, वही फिर से आ गए हैं। गीला मॉन्स्टर भी मिल गया ये मतलब है तो रैप्टाइल ही, बट इसका नाम गीला मॉन्स्टर है, इंग्लिश में तो किसी और एक्सेंट में बोलते होंगे, हमारे लिए गीला मॉन्स्टर रहेगा। एंड अमेरिका के ऊपर से एक राइड भी दिख रही है, ये भी अभी पता नहीं लग रहा है कि इसकी एंट्रेंस कहाँ से, जब भी मिलेगी तो ये भी करते हैं अभी, ऐसे बस मजे से, सही है ना आराम से बैठो। अमेरिका व पवेलियन में कुछ ज्यादा था नहीं, एक ही जगह थी जहाँ पे मैंने आपको स्लॉथ वगैरह दिखाए, बट कुछ एनिमल्स जो हैं वो सो रहे थे। अब आगे जाके एक टंड्रा करके है वहाँ जाते हैं, आई थिंक वहीं पे राइड है जिसके अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई, तो वो लेने का ट्राई करते हैं अगर मिल जाए। और इस राइड का नाम है टंड्रा एयर, और अभी 6:30 बजे की ये चल रही है, और प्राइस की बात करूँ तो $11 लगते हैं पर राइडर। राइड जो है वो कम्प्लीट हो गया, राइड फन थी बट वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा, अभी देखना आप ये कितनी स्पीड पकड़नी है इसने, बहुत क्विक जाती है पीछे को तो। और यहाँ पे बो हेड वेल जो होती है उसका पूरा बॉडी पड़ा है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ, मुझे पहले लगा डायनासोर है, अभी मैंने ये पढ़ा तब रियलाइज किया बो हेड वेल है। 60 टन तक इसका वेट हो जाता है और 15 मीटर लंबी होती है बो हेड वेल। एंड फाइनली पोलर बियर, वाओ कुछ तो ऐसा दिखा जो देखना चाहिए था, पोलर बियर पोलर बियर, इतनी गर्मी में कैसे घूम रहा है। छाया चाहिए इनको, ठंड चाहिए होती है यार, अभी इतनी काफ़ी गर्मी है तो इसीलिए शायद छाया वगैरह में घुस के सोए हुए आराम से। एक कोई एनिमल ये बैठा है, कैपी बारा नाम है इसका,
और इसके लिए तो इन्होंने पूरा डेडिकेटेड वाटरफॉल भी बनाया हुआ है। मियाँ जी तो यहाँ बैठे हुए हैं, पानी इन्हीं का है पूरा, जब मर्जी छलांग मार सकते हैं। और ये रहा वाटरफॉल, ये सही है यार। और अब टंडा ट्रैक जो है वो खत्म है, तो अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन में, थोड़े कंगारू शंगारू देखते हैं। एक बड़ी सी छिपकली ऑस्ट्रेलिया पवेलियन के अंदर, अब इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं, मैं बड़ी छिपकली कहूंगा इस वीडियो के लिए, बट सारे जानवर जैसे मैंने कहा सो रहे हैं। शाम के 5:30 बजे तक भी, 11 बजे आए तब भी सो रहे थे। कोमोडो ड्रैगन है ये, कोमोडो ड्रैगन नाम भी पता चल गया। तो कोमोडो ड्रैगन हमारा जो है नींद नहीं कर रहा है ये यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के सेक्शन में है, ग्रेट बैरियर रीफ की बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। अमेजिंग प्लेस, बहुत ही अंधेरा इधर। सी हॉर्सेस, वाओ सी हॉर्सेस तो देखें। ये छुटकू सा जो दिख रहा है कुछ ऐसा सा जो है वो आपको पानी में तैरता हुआ दिख रहा होगा छोटू सा। एंड जो देखने के लिए मैं एक्साइटेड था वो फाइनली दिखा, वो है कंगारू। कुछ जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दो कुछ आगे यहाँ पे खेलते हुए दिख रहे हैं, एक ये है एक उसके आगे और एक उसके आगे भी दिख रहा है। कुछ कंगारूज हैं दिखे बट बहुत दूर है, बट स्टिल देखे। और एक वो कूदता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा डेडिकेट करना पड़ेगा अगर देखना चाहते हो ऐसी चीज़ें। अब हम आए टाइगर वाली जगह पे, ये देखो क्या बात है, अब आया ना मज़ा, फाइनली कुछ तो दिखा अच्छे से। टाइगर वाओ, फाड़ दिया भाई उसने पूरा ढोल। ओह ही इज कमिंग, वो ओह ही इज हियर, छेद कर दिया उसने। मस्त गेम है इसका। एंड फाइनली रेड पांडा, पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, कर क्या रहे ये, बहुत भीड़ है इधर इसको देखने के लिए। अब बस एक सेक्शन रह गया है डिस्कवरी जोन वाला, उसके बाद घर। शाम के बज गए 6, हो गए पूरे 7 घंटे तब जाके खत्म हुआ। तो वॉक बहुत करनी पड़ती है, तो वॉकिंग शूज लेके आना गर्मी के दिन में, मत आना अगर यहाँ आ रहे हो, ठंड के दिनों में आओ और पूरा प्रिपेयर्ड होके आना। एंड आगे 2 हम्प वाला कैमल भी है, ये पहली बार देखा, ये देखो कैमल, आपने देखा कभी डबल हम्प वाला कैमल, मैं देख रहा हूँ पहली बार। और इसी के साथ टोरंटो जू का जो टूर है वो होता है खत्म। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना जरूर, 7-8 घंटे लग गए, गर्मी में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आपको मेरी शक्ल से ही पता चला होगा, लिप्स जो है बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। ऑल दो जो पूरा जू है बहुत बड़ा है, बहुत ही फन है, फैमिली के साथ आओगे तो बहुत ही मजा आपको आएगा। और एक बहुत ही अच्छा दिन रहा, आज लास्ट डे है टोरंटो में, कल जा रहा हूँ मैं नायग्रा फॉल्स, और नायग्रा फॉल्स से पैदल ही मैं बॉर्डर जो है वो क्रॉस करूंगा और अमेरिका जाऊंगा। और अमेरिका के लिए भी कुछ प्लान है वो आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, बट अभी के लिए ये बताओ ये वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट करो, जो भी सजेशन है जो भी फीडबैक है जो भी आपको अच्छा लगा जो भी बुरा लगा सब बताओ कमेंट में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।